देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज़ मानवंत सिंह के साथ। देखेंगे आज की बड़ी खबर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छतरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंगन टोरिया पहाड़ी के पास रहने वाली एक महिला के साथ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों द्वारा महिला को परेशान किया जाता है, गाली गलौज की जाती है और महिला से शराब पीने के लिए पैसे मांगे जाते हैं और महिला की दुकान व घर में तोड़फोड़ की जाती है। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में की, लेकिन महिला का कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उसकी कोई मदद की गई। पूरे दिन महिला सिविल लाइन थाने के बाहर बैठकर रोती रही, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब देखना यह होगा कि इस पुलिस के इस रवैये से क्या कार्रवाई की जाती है। पूछने लगे, कहाँ नाम तुम्हारा? रजिया खातून सर। कौन सी मोहल्ले में रहते हो? अनगोटोरिया बाट नंबर 15 सर। मेरे पीछे कुछ दिन से लड़के पीछे पड़े हैं, ना देना खाने दे रहे हैं, दारू के लिए पैसे मांग रहे हैं, नहीं दे रहे तो घर में घुस के परेशान कर रहे हैं। मेरे घर की भी तोड़ फोड़ कर डाली, बूढ़ी तरह से, और कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही, ना कोई साहब लोग देखने को जा रहे हैं वहाँ पर। अब बताइए हम क्या करेंगे, वहाँ रह भी नहीं सकते हम लोग, डर के पीछे इतने छोटे छोटे बच्चा हम कहाँ लेके जाएंगे। उसमें बहुत लड़के हैं, मोहल्ला के लड़के हैं सारे, और उसमें 5-6 लड़का मैं ना सर, उसके माँ बाप भी साथ देते हैं और बहनों को आगे करके केस को दबाने की उल्टा केस लगाने की धमकी देते हैं सर। मेरे पति को मेरे बच्चे को फंसाने की धमकी देते हैं। बताइए अभी ये तोड़ फोड़ हुई सुबह की टाइम, कल आए पैसे मांग रहे दुकान पे, किराने की दुकान।